Hello students, this is the third lecture of oscillations and in this lecture we will see velocity of a particle performing SHM. एक कोई पार्टिकल जब SHM परफॉर्म करता है, मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, तो उसका वेलोसिटी कितना होता है वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले. ओके, सो लेट स्टार्ट. देखो, सबसे पहले ना मैं एक डायग्राम से समझाने का ट्राई करूंगा. अगर आपको वो डायग्राम समझ में आता है तो ही आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा. डेरिवेशन तो बेसिक है, अगर आपको मैथ समझ में आता है तो डेरिवेशन आ जाएगा, लेकिन डायग्राम समझ में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो, तो हम एक काम करते हैं, हम एक वेव एज्यूम करते हैं, राइट, एक ट्रांसवर्स वेव एज्यूम करते हैं. आई होप सबको पता है ट्रांसवर्स वेव क्या होता है. एक ऐसा वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो भी होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर एक्ट होते हैं, उस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, राइट. तो एक ट्रांसवर्स वेव हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं. अब ट्रांसवर्स वेव का लॉजिक ये है कि ट्रांसवर्स वेव क्यों एज्यूम कर रहे हैं. देखो, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा. ओके, तो ये रहा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, राइट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रहा है और ये है क्रस्ट एंड ये जो होगा ये ट्रफ, राइट. क्रस्ट एंड ट्रफ ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ चीज है, क्रस्ट एंड ट्रफ. ओके, चलो. और इस डायरेक्शन में वेव आगे जा रहा है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, जस्ट एक्शन से मैंने बता दिया. ओके, चलो. हाँ, जब ऐसा वेव होगा ट्रांसवर्स वेव, तो होता क्या है, ये यहाँ के जो भी पार्टिकल्स है ना, यहाँ के जो भी पार्टिकल्स ये मोशंस करते हैं, ये कौन से पार्टिकल्स है, मीडियम के पार्टिकल्स, राइट. करते क्या है, ये सारे पार्टिकल्स मोशन करने लगते हैं. क्या करते हैं, मोशन करने लगते हैं. अच्छा, मोशन करने का मतलब क्या, समझो ये मिडल वाला पार्टिकल मैं देखूं, जैसे ही मीडियम को एनर्जी मिलता है, याद रखना कभी भी वेव आगे ट्रैवल नहीं होता है, कभी भी वेव आगे ट्रैवल नहीं होता है, वेव ट्रैवल नहीं होता है, एनर्जी जो होता है वो ट्रैवल होता है, राइट. तो एनर्जी समझो पार्टिकल्स को मिलता है, अगर इस पार्टिकल को एनर्जी मिलता है तो ये थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस होता है, यहां तक जाएगा, फिर रिटर्न नीचे आएगा. सेम ऐसे सारे पार्टिकल जैसे ही एनर्जी मिलते हैं ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाएंगे, राइट. ऐसा ऊपर चले जाएंगे, नीचे आ जाएंगे. तो ये जो भी पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, ये सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स जैसे ही एनर्जी इनको मिलता है ये डिस्प्लेसमेंट दिखाने लगते हैं, राइट. ये जो पार्टिकल का मोशन है आप देख सकते हो, जो भी पार्टिकल्स में, सब सारे नहीं बनाऊंगा, जस्ट बता रहा हूं, जितने भी पार्टिकल्स है ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करेंगे वैसा, राइट, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, जिसकी वजह से एक वेव जैसा फॉर्म हो जाता है, राइट. तो ये पार्टिकल क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं तो ये भी एक ऑसिलेशन ही हुआ, राइट, ऑसिलेटरी मोशन यही तो हुआ. तो ये पार्टिकल जो है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं. अगर हम आपको एकदम अच्छी तरह से समझाऊं तो यहाँ पे कुछ पोजीशंस होते हैं, वो पोजीशंस के बारे में बता दूं तो आगे का डेरिवेशन आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट. ये लाइंस वगैरह ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं तुमको समझाने के लिए बना रहा हूं, इसको अपने आंसर में इंसर्ट मत कर देना, राइट. कुछ पोजीशंस मैं आपको बता दूं, ये जो पोजीशन मैं अभी बना रहा हूं ये पोजीशन को बोला जाता है मीन पोजीशन. क्या बोलेंगे हम इसको, हम इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, राइट. ये हमारे लिए मीन पोजीशन है. अच्छा, एक और पोजीशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. या देख रहे हैं जो टॉप वाला पोजीशन एकदम टॉप पे, ये पोजीशन को बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशंस, राइट. इसको बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशंस, ये है एक्सट्रीम पोजीशन. अच्छा, सिर्फ यही एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, राइट, एक और एक्सट्रीम पोजीशन पॉसिबल है यहां, राइट. ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन ही हुआ. तो आप समझ लो मेन और एक्सट्रीम पोजीशन क्या, क्योंकि ये आया तो ही आपको लेक्चर नंबर 4 समझ में आएगा, लेक्चर 3 आना बहुत जरूरी है. एक्सट्रीम पोजीशन ये भी है, एक्सट्रीम पोजीशन. ओके, अच्छा, तो कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बता दूं. मीन पोजीशन पे आप जब भी चेक करोगे आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो मिलेगा, राइट. मीन पोजीशन पे हमेशा आपको, चलो सारी चीजें नहीं बताता हूं, जो चीज इस लेक्चर में लगने वाली सिर्फ वही बताऊंगा, राइट. अगर आप टॉप पे देखोगे ना, एकदम टॉप पे या फिर एकदम बॉटम पे, एक्सट्रीम पोजीशंस पे हमेशा हमेशा एक्सट्रीम पोजीशंस अगर आप चेक कर रहे हो तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा आपको जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी जीरो मिलेगा. कितना मिलने वाला है, एट एक्सट्रीम पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड भी आपको पहले पढ़ा हुआ है, 11th में आपने पढ़ा हुआ, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन. मीन पोजिशन से पार्टिकल कितना ऊपर तक जा सकता है, कितना नीचे तक आ सकता है, उसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड. अच्छा, अगर मैं आपको यहां पर एम्पलीट्यूड बना के बताऊं तो एम्पलीट्यूड यहां पर है, राइट. ये है आपका एम्पलीट्यूड, ये है हमारा एम्पलीट्यूड, जिसको हम बोलेंगे प्लस ए. प्लस ए इसलिए क्योंकि ऊपर है, अगर वही मैं नीचे बनाऊं तो माइनस ए बन जाएगा, राइट.
तो यही चीज अगर मैं यहां पर नीचे बनाऊं, क्योंकि नीचे भी तो है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, नीचे भी तो है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस और माइनस है दोनों एक साथ लिख लिया। इस चीज का जरूरत मुझे इस डेरिवेशन में है, इसलिए मैंने आपको यहां पर बना के दिखाया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं, अब डायग्राम आई होप सबको समझ में आ चुका है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो मैथमेटिक्स है, डेरिवेशन कर रहे हैं तो मैथ्स आना बहुत जरूरी, राइट, बिना मैथ्स के आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, मैथ्स इज द की टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन, जैसे हमको सबको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसके फॉर्मूला सब, देखो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे यूज करूंगा, ऑलमोस्ट मैं 3 to 4 points में मेरा डेरिवेशन कंप्लीट कर दूंगा, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट, सिंस वी ऑलरेडी नो द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये कहां से आया, ये आया लेक्चर नंबर वन के एक्सप्रेशन से। लेक्चर नंबर वन में जो लास्ट में जो मैंने आंसर निकाला था, that was a is equal to minus omega square x, where a is the acceleration, omega is the angular frequency and x is the displacement of the particle, right? ये सारी चीजें हमने वहाँ पे देखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगर a is equal to minus omega square x है तो एक और चीज पॉसिबल, राइट, यहाँ पे एक और चीज पॉसिबल है। पॉइंट ये है कि हम इस a को लिख सकते, दिस a कैन बी रिटन एज dv by dt, right? ये a को हम dv by dt लिख सकते हैं। a means acceleration, acceleration is the rate of change of velocity, ऐसा लिखा जा सकता है। मैं थोड़ा और modification यहाँ पे करता हूँ, ध्यान देते रहना जरा। dv as it is रखता हूँ, ये dt भी as it is रखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा multiplication ले लेता हूँ ऐसा। अब देखना, यहाँ dx ले रहा हूँ, यहाँ dx ले रहा हूँ, कोई problem नहीं है क्योंकि cancel हो जाता है dx, इससे फायदा क्या होगा, बहुत बड़ा फायदा, ध्यान दो जरा। dx by dt ये क्या है, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही तो बोलते हैं velocity, तो इसका आंसर velocity v आएगा, और ये जो dv by dx है इसको मैंने as it is लिख लिया हुआ है, राइट। तो मैंने किया क्या, मैंने a का आंसर निकाल दिया, वैल्यू ऑफ a इज v dv by dx, राइट, ये a का जो वैल्यू है दैट इज v dv by dx, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ और अपडेट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, राइट। सो वी विल गेट v dv by dx equal to minus omega square x, मैंने dv by dx क्यों लेकर आया, उसका रीजन LHS में v के साथ dv है तो RHS में x के साथ dx होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, तो ये dx को यहां लेकर आ, जैसे मैंने अभी बताया ये dx को यहां लेकर आ जाते हैं, दिस v dv जो है इसका आंसर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx, राइट, क्लियर है इतना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई जो मैंने यहां पे किया है। लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर वन, इसको हम इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर लेते हैं, ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर वन है। फर्स्ट एकदम बहुत इजी चीज सिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना चाहिए बस, मैथ्स मैंने बताया, मैथ्स बहुत जरूरी है आने की, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है ट्वेल्थ में तो आपको मैथ्स आना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है, इंटीग्रेशन का बेसिक इंटीग्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया, बेसिक इंटीग्रेशन ही लगने वाला है, नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मुला बताऊंगा, उस फॉर्मुला को यूज करके हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर वन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बोथ साइड ही करेंगे वैसे तो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेट्स इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ v dv विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। आई होप इंटीग्रेशन सबको इंटीग्रेशन का बेसिक आता है, इंटीग्रेशन में से वो चीज बाहर ली जाती है जो कॉन्स्टेंट होती है, राइट, तो ओमेगा कॉन्स्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको हम बाहर ले लेंगे, माइनस साइन तो बाहर आ ही जाएगा, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, अगर मैं यहाँ से यहाँ थोड़ा तो कर सकता हूँ, चलो आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो यूटिलाइज करते हैं उस स्पेस को। तो पॉइंट ऐसा है कि मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा स्पेस का हमको जरूरत पड़ेगा क्योंकि और आगे और भी कंटेंट है इसमें सिखाने लायक। चलो पहले इसको यूटिलाइज कर लेते हैं इतना स्पेस, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम फुल आगे वाला अपना कंसेप्ट करेंगे, देखते रहना समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, ये जो ऑसिलेशन चैप्टर है पूरी तरह से मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट, राइट, पूरी तरह से मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट आना ही चाहिए, बहुत ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। चलो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के टाइम पे हम उस चीज को बाहर लेते हैं जो कॉन्स्टेंट होता है, दैट मीन्स विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी equal to minus omega square as a constant integration of x dx, right? बहुत easy है, देखो
ऑलरेडी मैंने सिखाया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू। अगर x dx का फॉर्मूला x square by 2 है तो v dv का फॉर्मूला v square by 2 होगा, that's it। ये already सिखाया हुआ चीज, right? ये integration already सिखाया हुआ है मैंने आपको। तो integration of v dv का आंसर बन जाता है v square by 2। हमेशा जब भी हम indefinite integration यूज करते हैं तो साथ में आपको एक constant यूज करना है, c1 is the constant, right? is equal to minus omega square as it is। जैसे v dv का आंसर v square by 2 था, वैसे ही x dx का आंसर होगा x square by 2 प्लस सी टू। यहां भी एक कॉन्स्टेंट लगा, जहां जहां इंटीग्रेशन लगेगा वहां वहां कॉन्स्टेंट आता है, राइट। चलो एक काम करते हैं, ये दोनों कॉन्स्टेंट को एक साथ रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो दिस वी स्क्वायर बाय टू विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी टू माइनस सी वन, वेयर सी टू इज अ कॉन्स्टेंट एंड सी वन इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, राइट। कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट अ न्यू कॉन्स्टेंट सी, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। एक कॉन्स्टेंट को जब मैं दूसरे कॉन्स्टेंट से माइनस करूंगा तो एक कॉन्स्टेंट ही तो आंसर आएगा, उसी कॉन्स्टेंट को हम सी लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलो सो विल गेट वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस अ कॉन्स्टेंट सी, राइट। सिंपल केस, ओके। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू ऑफ पॉइंट टू, राइट। पॉइंट टू में हमने इक्वेशन नंबर टू बना लिया है वैसे। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। एक लास्ट स्टेप बाकी है, बस हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ ही चुका है, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे, अब हमको इस डायग्राम का यूज करना है, राइट। इसको जो ये डायग्राम में से जो मैं कंसेप्ट यूज करने वाला हूं उस कंसेप्ट को बोलेंगे हम बाउंड्री कंडीशंस, राइट। उसको बोला जाता है बाउंड्री कंडीशंस, ओके। तो क्या होता है बाउंड्री कंडीशंस, वो आपको मैं यहाँ पे अब पॉइंट नंबर थ्री में सिखाने का ट्राई करता हूँ। पॉइंट नंबर थ्री में हम बाउंड्री कंडीशंस देखेंगे, ओके। बाउंड्री कंडीशंस क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं बाउंड्री कंडीशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर थ्री। फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस यूज करते हैं बाउंड्री कंडीशंस ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन का हम बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं और देखते हैं क्या है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मीन्स क्या, एक्सट्रीम के बारे में बात करेंगे, ओके। चलो एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या है कंसेप्ट बताना पड़ेगा हमको यहाँ पे। एट एक्सट्रीम कंडीशन या फिर एक्सट्रीम पोजीशन बोलो ज्यादा बेटर होगा। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है उसका आंसर आपको जीरो लेना है और आपको डिस्प्लेसमेंट का आंसर प्लस नंबर टू में पुट करूंगा, उसको अपडेट करूंगा। और देखो या वैसे करना क्या, पहले वो समझो, हमको वेलोसिटी का आंसर चाहिए, कहां गए वेलोसिटी का आंसर चाहिए। मींस वी का आंसर तो यहां से निकाला जा सकता है, बट प्रॉब्लम इज दिस सी कांस्टेंट। कोई भी फॉर्मूले में कभी कांस्टेंट पैरामीटर नहीं आता, राइट। तो इस सी को आपको निकालना पड़ेगा, मींस इस सी का वैल्यू निकालेंगे यहां से, और एक बार सी का वैल्यू मिल गया फिर से लाके यहां पुट कर दूंगा और अपडेट कर दूंगा, बन जाएगा हमारा वेलोसिटी का आंसर, राइट। फोर्थ पॉइंट में शायद हमारा आंसर आ जाए। चलो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ वी एज जीरो एंड एक्स एज प्लस और माइनस ऑफ ए इन दिस इक्वेशन। चलो देखते हैं क्या होता है। वी का आंसर तो जीरो है, तो जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा एलएचएस, जीरो अपॉन टू जीरो हो जाता, राइट। इज इक्वल टू हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू है, ध्यान देना एक्स का स्क्वायर है, मींस एक्स का आंसर अगर मैं प्लस ए लू तो ए स्क्वायर आएगा, अगर माइनस ए लू तो भी ए स्क्वायर ही आएगा। तो मैं प्लस माइनस ए स्क्वायर नहीं लिखने वाला हूं, मैं डायरेक्ट यहां पे लिखने वाला हूं ए स्क्वायर और प्लस सी। समझ में आया, मैंने सिर्फ ए स्क्वायर क्यों लिखा, प्लस माइनस लिखना कोई मतलब नहीं क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, राइट। इसके लिए चलो सी का आंसर यहां से निकाल लेते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, राइट। मैंने क्या बताया था, एक बार सी का आंसर बस मुझे मिल जाए, बस वो सी का वैल्यू यहां पुट कर दू और वी का आंसर निकाल दू। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फिर से हम यहां पर यूज करेंगे पॉइंट नंबर फोर में। पॉइंट नंबर फोर ऐसा है कि यहां पर हम इक्वेशन टू को यूज करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। From equation 2, देखते हैं equation 2 से क्या होता है, right? This v square by 2 will be equal to minus omega square x square by 2 plus c. C का answer मैंने ऊपर ही निकाल के रखा हुआ है। Value of c is omega square a square by 2. सारा 2 नीचे का cancel हो जाएगा अगर आप common लोगे और cancel कर दोगे तुम। So we will get v square equal to पहले पॉजिटिव लिख लेता हूं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आरएचएस में आपको ओमेगा स्क्वायर एज अ कॉमन दिखता होगा, कॉमन लेते हैं चलो। सो दिस v square विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। v square थोड़ी चाहिए हमको, तो चाहिए वेलोसिटी का आंसर। लेट्स
टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड राइट, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम करेंगे वी विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ ओमेगा एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम. एक पार्टिकल अगर एस एच एम परफॉर्म करता है तो उसका वेलोसिटी का आंसर यही है राइट. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है. अच्छा किस चीज का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन? रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन वेलोसिटी का. रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग. क्या परफॉर्म कर रहे हैं हम? परफॉर्मिंग एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन राइट. आई होप प्रॉपरली ए टू जेड सब चीजें समझ में आई हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से अगर मैथ्स आता है तो फिर पूरा फिजिक्स हमको आता है, ऐसा समझ राइट. ओके थैंक यू.